नमस्कार दोस्तों, किडनी केयर सीरीज में हम आपसे बात कर रहे हैं पिछले लगातार कई एपिसोड्स में कि अगर आप आयुर्वेदिक इलाज कराने की सोच रहे हैं तो आप कैसे जाने कि जो आप इलाज करवा रहे हैं वो सही है, जो डॉक्टर या जो संस्थान से आप इलाज करवा रहे हैं वो सही है, या जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सही है, आप सही आयुर्वेदिक इलाज करा पाएँ, आपको उससे लाभ हो, ये पर्पज़ है इस पर्टिकुलर सीरीज का। तो इसमें मैं आज के टॉपिक में बात करूंगा कि अगर आयुर्वेदिक इलाज करवाने जा रहे हैं तो अंधविश्वास से बचें। जी हाँ, आज का टॉपिक हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी अंधविश्वास की बात कहाँ से है, किडनी पेशेंट्स जब किसी भी इंसान को पता चलता है कि उसकी किडनी फेल हो गई है तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों रूप से वो डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है। वो हर उस संभव ऑप्शंस की ओर जाता है जहां उसको रिलीफ या आराम मिलने की आशा होती है। वो एलोपैथ ट्रीटमेंट से निराश होने के बाद आयुर्वेद, होम्योपैथ या एलोपैथियों में जाता है। इसके अलावा कई बार वो घरेलू उपचार, ऑनलाइन यूट्यूब उपचार या फिर अंधविश्वास, झाड़ फूंक, ऐसे भी कई चक्रों में पड़ता है जिससे उसको आराम मिलने के बजाय उसकी स्थिति और ख़राब हो जाती है। और आज के एपिसोड में मैं इसी बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी अंधविश्वास या झाड़ फूंक के चक्कर में हैं, यानी किसी तंत्र मंत्र से, किसी पूजा पाठ से या किसी पर्टिकुलर बाबा जी के आशीर्वाद से आपका रोग ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगी, प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़ें। आयुर्वेद के अंतर्गत हम एक खास तरह का ट्रीटमेंट, एक खास तरह का प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यानी चिकित्सीय ज्योतिष। ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि आपका जो रोग है उसका मुख्य वजह क्या है, उसका मुख्य कारण क्या है, और आपका रोग शारीरिक है या किसी अन्य कारणों से आपको दिक्कत है। अगेन, यहाँ अंधविश्वास नहीं है, यहाँ कोई ऐसा जल, ऐसा कोई चमत्कारी तरीका या प्रोसीजर नहीं है, ये भी एक साइंस है। तो आप इन चक्करों में पढ़ के अपना टाइम ख़राब कर सकते हैं। एक दूसरा टेंडेंसी आजकल देखने में आया है कि YouTube पे कोई एक ऐड चला कि फलना चीज़ का काढ़ा पी लो, धिमाका पत्ती का रस पी लो और जड़ से आपका रोग ठीक हो जाएगा, आपका गठिया ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, किडनी फेलियर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप खुद अपने दिमाग का प्रयोग करें। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि किसी भी रोग का इलाज करने के पहले पेशेंट्स की कंडीशन, पेशेंट की एज, उसके रोग का कारण, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री, उसको होने वाली दिक्कतों का डिस्क्रिप्शन, सभी कुछ देखने के बाद डॉक्टर डिसाइड कर पाता है कि कौन सी मेडिसिन इसके लिए काम कर सकती है। यानी कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन जिसका एक वीडियो बना के यूट्यूब पे किसी ने डाल दिया और उसको काढ़ा बना के, घोल बना के सभी रोगी ठीक हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि इस तरह का इलाज करने से स्थिति और ख़राब हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास ऐसे बहुत मरीज आते हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने यूट्यूब पे देखा था गोखरू का काढ़ा पीने से किडनी ठीक हो जाती है। गोखरू एक अच्छी औषधि है, मुत्तल औषधि है, लेकिन वो एक गर्म तासीर की औषधि है, और अगर आपकी तासीर, आपका प्रकृति पित्त प्रकृति है तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी बात, आपकी उम्र, आपकी समस्या के अनुसार आपकी डोजेस क्या होंगी, कितना मात्रा में लेना है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। कोई यूट्यूब पे बैठा हुआ एक ऐसा आदमी नहीं जिसके पास कोई एथलेटिक डिग्री नहीं है, ठीक। तो इस तरह के इलाज को भी हम अंधविश्वास की श्रेणी में लेते हैं कि आपने देखा, किसी का सुना और इलाज शुरू कर दिया बगैर ये जाने कि इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट आपके बॉडी पे क्या है। आपके डॉक्टर का काम यह है कि वो आपकी समस्या के अनुसार आपका इलाज करे, सेल्फ मेडिटेशन न करें, खुद से इलाज करने की कोशिश न करें। ये भी एक तरह का अंधविश्वास है, गलत तरीका है अपने आप को नुकसान पहुँचाने के लिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार ऐसे कई लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि आप इस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास या पर्टिकुलर इलाज के लिए जाएं जहां मैंने इलाज कराया था, आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि उस डॉक्टर पे उस पर्टिकुलर आदमी का अच्छा विश्वास है, इवन अंधविश्वास है। लेकिन उस आदमी को क्या दिक्कत थी, क्या समस्या था, उस डॉक्टर के पास क्या एक्सपर्टी थी, वो बिल्कुल अलग टॉपिक था। जरूरी नहीं कि आपको भी वही रिलीफ मिलेगा जो उस आदमी को मिला था। आप अपने रोग के अनुसार, अपनी बीमारी के अनुसार सही डॉक्टर का चुनाव करें, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, ठीक है। तो किसी भी तरह के अंधविश्वास से बचें, किसी भी तरह के झाड़ फूंक से बचें, किसी भी तरह की ये ऑनलाइन जानकारियों से बचें, ये YouTube, WhatsApp पे आने वाले मैसेजेस से बचें, सेल्फ मेडिटेशन खुद न करें। जितना घातक एलोपैथी मेडिसिन में होता है कि लोग खुद से जाके मेडिसिन मेडिकल स्टोर से खाते हैं, अपनी किडनी लीवर तक फेल कर लेते हैं,
उसी तरह आयुर्वेद की मेडिसिन को भी बगैर एक्सपर्ट की सलाह के, बगैर डॉक्टर की सलाह के खुद से खाना एक घातक चीज़ है, जो बहुत एक जो गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मैं आपको अवेयर जानकार करना चाहूँगा कि ऐसी गलती आप बिल्कुल भी न करें। हाँ, कुछ सामान्य घरेलू उपचार आप कर सकते हैं जिसको हम उपचार की श्रेणी में नहीं लेंगे। आप अगर त्रिफला का सेवन करते हैं, आप अगर आंवला जूस का सेवन करते हैं, आप एलोवेरा का सेवन करते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं जैसे किडनी फेल्योर, तब इस तरह का प्रयोग आपके लिए नुकसानदायक है, घातक है। ऐसे कई सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि किसी ने यूट्यूब पे देख के नींबू का सेवन ज़्यादा कर लिया, किसी ने मौसमी का सेवन कर लिया और लेने के देने पड़ गए। प्लीज़ ऐसा न करें, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।